दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ। दोस्तों, शाम को 7:30 बज रहे हैं, तो मैं भी खाना वाना बना के बैठी थी, सब्जी चावल अभी रोटी बनाना, तो मैंने आटा गूंथ दिया। तो गैया माता आई हमारे दरवाजे पे, वो रोज आती है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, गैया माता आई हैं, ये आई है रोटी खाने के लिए। इनको हम रोज खिलाते हैं कुछ ना कुछ, रोटी चाव जो कुछ होता है हमारे पास, तो इसलिए हमारे दरवाजे पे अपने आप धक्का देती हैं। रात का टाइम है, देख सकते हैं आप। अब नहीं, अब जाओ ना, आप तो खा ले जाओ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से खड़े हैं दोनों माँ बेटे। चलो अब जाओ। तो ये इनको हम सुबह शाम ये दोपहर किसी भी टाइम आते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये काम आप भी करें, आपके दरवाजे पे गौ माता आए तो उनको भगाएं ना, उनको ज़रूर से ज़रूर रोटी खिलाएं। जो आप, अगर आपके घर में रोटी ना हो तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आटा गूंदा हो, कुछ भी पड़ा हो, कोई सब्जी पड़ी है तो थोड़ा बहुत उनको खिला दो। ऐसे खाली हाथ गौ माता को मत भेजना, नहीं तो गौ माता को साथ मिलेगा। गौ माता को क्या मिलेगा, आप सबको मिलेगा दोस्तों, इसलिए उनको ऐसे खिलाते रहना थोड़ा बहुत जो आपके पास हो। तो देखो हमारे दरवाजे पे ऐसी रोज आ जाती है गौ माता रोटी। हमें किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रोडों पे रोटी देने के लिए, हमारे घर पे खुद ही हमारी गौ माता आ जाती है। देखो बड़ी बड़ी सीम वाली होगी। तो अब जाओ, आपने खा लिया ना, कल आना। चलो अब बच्चे बाहर खेलेंगे दोस्तों ने, इसलिए इनको हटा रही गौ माता को, तो आप कल सुबह आना, ठीक है। तो आप भी दोस्तों गौ माता को रोटी खिलाया करो, है कि नहीं। गौ माता वैसे मिलती नहीं हमारे यहाँ तो, पर हम तो रोटी को कुछ ना कुछ रोज खिलाते ना, आते हैं दरवाजे पे, तो इसलिए आती रहती है हमारे घर पे। तो ये काम आप भी करना, गौ माता को रोटी खिलाना। दोस्तों आज मैंने बनाया है, आपको दिखा रही मैं, ज़्यादा कुछ अच्छा बनाया नहीं, फिर भी मैंने बनाया आज चावल बनाया मैंने, आलू मटर की सब्जी बनाया, आप देख सकते हो सब्जी को दिखा रही हूँ। दो बंदे ना, तो गैस बनाया नॉर्मल से मैंने, ज़्यादा तरी नहीं बनाया मैंने, ये बनाया मैंने। तो आटा मैंने गूंथ के रख रखा था, तो गौ माता आई, फिर उनको लोई खिलाया मैंने यहाँ से तोड़ के। तो आप भी, आपके घर में गौ माता आए तो आप, बच्चे ऐसे शैतान करते हैं क्या, तो उनको मैंने रोटी खिलाया। हमारे बच्चे देखो कितना आवाज कर रहे हैं दोस्तों, ये मेरी जेठानी है, ये भी YouTube पे वीडियो बनाती दोस्तों, इसको भी सपोर्ट करना दोस्तों, और मुझे भी। ये भी खाना बना रही, क्या बना रही बहन, शर्म आ रही, अभी नए नए यूट्यूबर है ना, इसलिए शर्म आती है इनको थोड़ा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट बिल्कुल कुछ नहीं यार दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना, अपनी बहन नहीं समझ सकते, अपने दोस्त समझ के सपोर्ट कर देना प्लीज़ दोस्तों, एक वीडियो वायरल करवा दो, यही बार बार मैं आपसे बोलूँ, इसलिए सपोर्ट करो मुझे। और ये काम जरूर करना, गाय माता आपके दरवाजे पे, उनको खाली हाथ से मत भेजना, तो उनको रोटी जरूर खिलाना। चलो आज के लिए मैंने इतना ब्लॉग से बना लिया, इसलिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, चलो।